अकबर साहब को जो आज के हमारे चीफ गेस्ट भी हैं कि वो आए और खिदमत के बारे में इंट्रोडक्शन दे दें। जजाक First of all, I would like to express my gratitude, especially the leadership of Social Welfare Society UNT and our guest from Rescue 112, Mohsin, Brother Mohsin Bhai, जो अभी आपको ट्रेनिंग भी देंगे। आपको पता है आज जो हम ये ट्रेनिंग करने जा रहे हैं और आप लोग इधर आए हैं, तो क्या ये एक आम सी चीज़ थी, आपको किसी ने इन्वाइट किया या आपको किसी ने उसमें दावत दी और आपने सोचा कि आप मुझे ट्रेनिंग लेनी चाहिए? क्या लगता है आपको, ऐसे ही है? चलिए आपको बताता हूँ। आपको पता है बहुत सारे लोग इस वक्त कैफेटेरियाज में बैठे होंगे, बहुत सारे हमारे आपके क्लास फेलो जो होंगे वो स्टैंड बाय हैंड आउट कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या वजह है कि कुछ मतलब 60-70 लोग इस वक्त इस हॉल के अंदर डेडिकेटेड हैं, जो कि ये अजम रखते हैं कि हम लोगों को सर्व करेंगे और वो ट्रेनिंग लेने के लिए आए हुए हैं कि हम आज से इस अजम का इजहार करेंगे कि हम आज से लोगों को रेस्क्यू करेंगे। और ये आपको पता है रेस्क्यूअर्स जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा उनका वेटेज होता है वॉलंटियर वर्क के अंदर, जो सबसे ज़्यादा हमें भी किसी डिजास्टर के अंदर अगर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट वॉलंटियर होता है जिसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है तो वो रेस्क्यूअर होते हैं, हम उसको ज़्यादा प्रेफर कर रहे होते हैं। आप लोग आज इस ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं तो मैं समझता हूँ ये चीज़ किसी इंसान की चीज़ तो नहीं, ये काम किसी को बचाना, किसी को देना, किसी को सर्व करना, ये तो अल्लाह ताला का काम है। तो ये क्या वजह है कि अल्लाह हम इधर बैठे हैं? तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है जिसके लिए हमें अपॉइंट किया अल्लाह ताला ने, इसके लिए हम सबके लिए आपके लिए। अच्छा, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है, कि आप लोग अपॉइंटेड लोग हैं और ब्लेस्ड लोग हैं जो कि इधर बैठे हैं। अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों, क्या इसके अलावा और कोई चीज़ें नहीं हो सकती? जितने भी मतलब बहुत सारे लोग भी, जिस तरह मैंने आपको बताया बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, ये काम जो था लगा रहे ना अपने बहुत ख़ास लोगों के, ठीक है, हर कोई इसके लिए बहुत सारे लोग होंगे जो कि ख्वाहिश रखते होंगे, लेकिन ये बड़े लोगों का काम होता है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास अरबों ही खरबों रुपये हैं, हमारे दोस्तों में ऐसे लोग होंगे, आपके जानने वालों में क्लास फेलोज में ऐसे लोग होंगे, विश भी करते होंगे कि हम कुछ करें लेकिन नहीं कर पाते। किसी को सर्व करना, अपने आप को डेडिकेशन के साथ पेश करना, ये छोटा काम नहीं होता, ये बड़े लोगों का काम होता है। तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू सर कि आप लोग इस वक्त अल्लाह ताला के ब्लेस्ड लोग हैं और आपने इस ब्लेसिंग को यूटिलाइज भी करना है आगे सर्विंग की तरफ उसकी सूरत के अंदर। अलखिदमत फाउंडेशन जो है उसका प्लेटफॉर्म बेसिकली मैं वॉलंटियर डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ, तो वॉलंटियर डिपार्टमेंट का जो बेसिकली मकसद है वो भी यही है कि हाउ टू डेवलप अ पैशन ऑफ वॉलंटियरिज्म, कि हम एक सेंस ऑफ वॉलंटियरिज्म होती है वो किस तरह से डेवलप कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स के अंदर, यूथ्स के अंदर, बल्कि प्रोफेशनल्स के अंदर। तो इस तरह अभी जो बता रही थी कि वन ऑफ द लीडिंग नॉन प्रॉफिट एनजीओ पाकिस्तान की ही दुनिया की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से है जिसके पास एक डेडिकेटेड वॉलंटियर्स का हजारों की लाखों की तादाद के अंदर वॉलंटियर्स है, सबसे बड़ा फील्ड है। सबसे पहले तो आपको इसके अंदर डिफरेंट किस्म के पर्क्स होते हैं, वो ऑब्वियसली वो छोटी चीज़ है, जिस तरह मैंने आपको जिक्र किया कि हमारा अल्टीमेट टारगेट जब तक अल्लाह ताला की रजा नहीं होगा ये काम होने वाला नहीं है, मुश्किल काम होता है। तो जो दुनियावी उसके पर्क्स होते हैं ऑब्वियसली वो साथ साथ चलते हैं, वो चीज़ें साथ साथ चलती हैं, जिसके अंदर आपको एक अच्छी नेटवर्किंग, अच्छा एक सोशल सर्कल मिलेगा, आपको बहुत सारे लोगों से पाकिस्तान ही, क्योंकि अल्टीमेट फाउंडेशन जो है दुनिया के 8 मुल्क के अंदर तो रजिस्टर्ड है, जिस तरह मतलब USA है, कैनेडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अल्टीमेट यूरोप रजिस्टर्ड है, अल्टीमेट जापान है, सऊदी अरेबिया है, इसी तरह जब जो तुर्की है उसको हम अपना होम टाउन कहते हैं। तो बेसिकली वी आर वर्किंग इन 7 सर्विस एरियाज, आप में से हर एरिया ऑफ इंटरेस्ट के लोगों का एक प्लेटफॉर्म। आप अगर आपकी डिग्री हेल्थ में चल रही है तो आप हमारा हेल्थ फाउंडेशन एक सेपरेटली एंटिटी है, जो अल्टीमेट हेल्थ फाउंडेशन एक अलग से रजिस्टर्ड है, जब 54 बड़े हॉस्पिटल चला रहे हैं, उसके बाद डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, एम्बुलेंसेज के फील्ड्स हैं, उसके बाद डिस्पेंसरीज हैं, फार्मेसीज हैं, तो एक बहुत बड़े पैमाने में तकरीबन इसका जो 6.7 बिलियन रुपीज़ जो है उसके अंदर हमारे एक्सपेंडिचर होती है सिर्फ ये हेड ऑफिस का पाकिस्तान के अंदर होती है। इसी तरह फिर हमारा कम्युनिटी सर्विसेज के प्रोग्राम है, जिसके अंदर आप एक इमीडिएट
असिस्टेंस इसको प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें फूड पैकेज की सहूलत हो, फूड की सहूलत हो, जेलों के अंदर कैदियों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम कर सकते हैं, आप उसके अंदर आप प्रिजनर रिलीफ के ऊपर काम कर सकते हैं, उसके अंदर व्हील चेयर की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, मसाजे की कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। इसी तरह फिर आगे हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट, इस तरह जिस शोबे के तहत आज की हमारी ट्रेनिंग भी ऑर्गेनाइज इधर हो रही है सारी, तो हम बेसिकली पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर, बेशक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग की बात हो, या वो तुर्की में किसी जल्जले की बात हो, या बर्मा और फलस्तीन के अंदर जंग के अंदर कैदियों को रेस्क्यू की सूरत के अंदर, इधर से हमारे वॉलंटियर्स जाते हैं, आप जैसे लोग होते हैं, अभी भी 147 वॉलंटियर्स थे हमारे जो तुर्की ऑपरेशन उसके अंदर गए, उधर तीन ही टीम लगी हुई थी, तो हमारे पास सर मौजूद है रेस्क्यू 112 से, तो उधर रेस्क्यू 112 की टीम थी, पाकिस्तान आर्मी थी और अपनी मत है, ये तीन ऑर्गेनाइजेशन थी जिन लोगों ने जाके काम करी, तो वो आप जैसे वॉलंटियर्स ट्रेनिंग ली भी थी, और उस टाइम क्योंकि एक एमरजेंसी थी, रात को कॉल आती है वॉलंटियर्स के लिए, और सुबह तक हमारे पास जितने भी वॉलंटियर्स होते हैं तो वो ऑन द स्पॉट में उनसे तुर्की के लिए निकलती है। तो इसी तरह की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि अलखदमत आपको प्रोवाइड करें। अब मैं बात सर करती हूँ कि आज का एजेंडा जो है वो तो ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग है हमारी। देखिए आप कहीं भी अगर वॉलंटियर वर्क करते हैं तो आप चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो इम्पैक्टफुल हो, उससे किसी को फ़ायदा हो रहा हो, ये नहीं कि मैं अगर खुराक पे काम कर रहा हूँ। हमने ये सैलाब में भी देखा कि एक जगह रुझान साउथ पंजाब के अंदर कर रहे हैं, उधर इतने बुरे हालात थे कि मतलब पूरी की पूरी उसके सराउंडिंग्स में मीलों दूर तक पानी पानी था, और एक मिल तो वो ओशन लग रहा होता था, जो कि बचा था उधर कुछ लोग जो थे वो जिंदगी और कश्मकश में थे इनिशियल में बात कर। तो उधर जब हमारी टीम्स गई तो उधर यानी एक खातून थी, उसकी वीडियो आपने भी शायद देखी हो, बहुत वायरल थी। अब उसका बच्चा बीमार था और छोटा सा बिल्कुल उसका बच्चा था, वो कहती कि अभी तक तीन NGOs आई हैं, एक मुझे खाना दे गई है, दूसरी NGO आई है और मैं 4 घंटे लाइन में लगी कि इधर से मुझे शायद बच्चे के लिए कोई दवाई मिले, वो मुझे टेंट दे गई। और फिर उसके बाद कुछ लोग आए हैं, वो मुझे इसी तरह दिलासा दे के किताबें दे के चले गए। अब मैं क्या करूँ, मेरा बच्चा तो बीमार है। तो अब यानी हम मतलब उस टाइम जो वॉलंटियर्स आए होंगे डेफिनेटली कुछ काम करने आए थे, लेकिन उस टाइम उस औरत को वो ज़रूरत नहीं। तो ये काम बेसिकली एक अलखदमत के साथ मिलकर आप कर सकते हैं, वो किस सूरत के अंदर कि वो बच्चा है जिसका आगे पीछे कोई नहीं, ऐसे हज़ारों केसेस आपने देखे होंगे, वीडियोस देखी होंगी, जिनके सबके सब खानदान के अफराद जो थे वो उसकी फ्रेंड की नज़र हो गए थे, और उसके अंदर यानी एक बच्चा जो रोड पे उसकी फैमिली का कोई फर्ज नहीं बचा, तो वो किस तरह खिदमत उसको रेस्क्यू करेगा, इसमें आप लोग अच्छा उसके अंदर जो सबसे पहले तो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो उसको रेस्क्यू करेगा। अच्छा वो बच्चा रेस्क्यू हो गया, ठीक है वो बच गया, लेकिन वो तो मेरे ख्याल से उसके लिए सजा है उसका बच जाना, आगे वो क्या करेगा, उसकी पूरी ज़िंदगी पड़ी हुई है। अच्छा अब हमारा फिर जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हेल्थ फाउंडेशन इसका मैंने जिक्र किया, वो उसके इलाज मॉलिंग का बंदोबस्त करेगा। अब उसका इलाज भी हो गया, वो फिर उधर ही है, क्या करेगा। तो हमारा जो ऑर्फन केयर प्रोग्राम है, हमारा सबसे बड़ा प्रोग्राम है, इसके अंदर हम 25,000 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, पाकिस्तान में बल्कि तुर्की में भी, अफगानिस्तान में भी हमारे ऑर्फन हाउस। तो उस वो बच्चा एडमिशन ले लेगा उसका ऑर्फन हाउस के अंदर। अब उसके बाद वो बच्चा इंटरमीडिएट तक उधर एक एलीट क्लास बच्चा जो फैसिलिटीज अवेल कर रहा होता है उस बच्चे को फैसिलिटीज मिलेंगी, और उसके बाद वो बच्चा इंटरमीडिएट के बाद उधर से जब आएगा, लेकिन सवाल फिर एक पैदा होता है तो इंटरमीडिएट के बाद क्या जॉब करेगा, किधर जाएगा, सवाल आते हैं। हमारा अल्फा स्कॉलरशिप प्रोग्राम एजुकेशन प्रोग्राम के तहत हम अल्फा स्कॉलरशिप स्कीम एक चला रहे हैं, जिसमें नीडी बच्चों को जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो बच्चा जैसे स्कॉलरशिप अवेल करेगा, और उसके बाद वो जो है हम थ्रू आउट उसको फिर ग्रेजुएशन जो है स्पॉन्सर करेंगे। अगेन बच्चा जिधर रोड से चला था फिर उधर बात आ जाती है कि अब फिर उसका तो गार्डियन भी कोई नहीं, उसके पेरेंट्स तो वैसे ही स्टूडेंट्स की नज़र हो गए थे, उस डिजास्टर की नज़र हो गए थे, अब वो बच्चा किधर जाए, तो फिर उसके पास तो कोई सिफारिश नहीं है जो पाकिस्तान में चलती है। अगर उसने कोई कारोबार करना है और आप तो हमें चाचू भी असिस्ट कर देगा, अब्बा भी असिस्ट कर देगा, कोई दोस्त भी उसके अंदर सपोर्ट कर देगा, वो तो ऑर्फन हाउस में रहा, उसका तो कोई नहीं है, तो वो किधर जाएगा। तो हमारा फिर जो माइक्रो फाइनेंस मबाखात प्रोग्राम है वो उसको लोन प्रोवाइड करेगा, अगर वो बिजनेस करना चाहता है, और अगर वो कुछ आगे जॉब्स वगैरह या उसके हवाले से उसकी काउंसिलिंग चाहिए तो आप जैसे वॉलंटियर्स होंगे, हमारा जो प्रोफेशनल वॉलंटियर्स का क्लब है तो हम उनको रेफर करेंगे, और वो उसके लिए बंदोबस्त करेंगे उनकी जॉब्स का, उनकी ट्रेनिंग्स का। अभी बनों काबिल के मानसिक बड़ा प्रोग्राम जो हमने कराची में उसका पायलट प्रोजेक्ट किया है, यहाँ पर हम तकरीबन
ट्रेनिंग्स भी हैं, उसमें करियर एनेबलमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी होगी और स्टार्टअप फंडिंग्स वगैरह भी शुरू करने जा रहे हैं, तो इन शाला अगले मंथ से आप देखने होंगे। तो वो बच्चा जो होगा जो मैं बात कर रहा था, वो बच्चा उसके बाद वो स्टार्टअप फंडिंग की संगत में या फिर अब ये जो प्रोफेशनल वॉलंटियर्स होंगे वो उसको असिस्ट कर रहे होंगे, और मतलब एक बच्चा जो रोड पे बैठा हुआ था उसका कोई नहीं था, उधर से लेके उसको एक बाइज्जत और अच्छा रोज़गार और उसको पैरों पे खड़ा करने के लिए पूरा एक निज़ाम है, वो खिदमत के पास मौजूद है। तो आपका जो वॉलंटियर वर्क होगा वो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता। अब इस सारा ही एक निज़ाम है, एक सिस्टम चल रहा है जिसको लाखों वॉलंटियर्स मेरे और आप जैसे मिलकर चला रहे हैं। अब इसके अंदर आप एक डेटा एंट्री करते हैं, आप ट्रेनिंग के अंदर आते हैं, आप बाई रजिस्ट्रेशन जो पड़ी हुई है उसको ही फिल कर देते हैं, तो आपने उस पूरे कॉज को उस इतने बड़े निज़ाम को असिस्ट किया है। तो हम कैसे तसव्वुर कर सकते हैं कि जिसमें लाखों नहीं करोड़ों बेनिफिशरीज उससे मुस्तफीद हो रहे हों, तो अल्लाह ताला की ब्लेसिंग से हमें हो रहे हैं। वो जितना बड़ा काम है उतनी बड़ी सतह की ब्लेसिंग भी जो होंगी वो हमारी लाइफ के अंदर इंशाल्लाह आपको देखने को मिलेगी। तो खिदमत आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप ऑफिस की तरफ से भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपका जब भी वक्त हो एक घंटा दो घंटे हफ्ते में आप चार घंटे दे सकते हैं, जितना भी टाइम दे सकते हैं आप उधर हमारे पास आएँ। उधर बहुत सारी चीज़ें आप जैसे लोग इधर मिलकर इस सारे काम को चला रहे होते हैं। तो मैं अपनी बात को इधर ही ख़त्म करूँगा, जो किसी भी हवाले से हम यूथ के हवाले से, उसके अंदर आपकी करियर काउंसलिंग के हवाले से, कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से, स्किल्स डेवलपमेंट के हवाले से, आपका कोई प्रोजेक्ट भी होगा इंशाल्लाह, तो बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ट्रेनिंग आपके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल भी रहेगी, और इंशाल्लाह असल जो काम है हमने वो इस तरह आपको अभी आगे बताएंगे भी। तो वो ट्रेनिंग ले लेना एक मकसद नहीं है, उसको सर्व हमने किस तरह करना है वो असल बात है।